अरे संजय मेरे दोस्त गंजे, मेरे से फाइट करेगा क्या तू? हाँ चितन कटारे, मैं तेरे से फाइट करूंगा और तेरे को मैं हराऊंगा। बीड्रिल मेगा इवॉल्व। ब्लेजिकन तुम भी मेगा इवॉल्व हो जाओ। मेगा बीड्रिल पॉइजन स्टिंग का यूज करो। ब्लेजिकन तुम उससे पहले एम्बर का यूज करो। नहीं मेगा बीड्रिल तुम इतनी आसानी से नहीं हार सकते। मेगा बीड्रिल तुम इतनी जल्दी हार गए, तुमने मेरी नाक कटवा दी। मैं उसको हराना चाहता था और तुम ही हार गए। शेम ऑन यू चेतन कटारिया। पहली बात, पोकेमॉन ब्रश नहीं होता, उसके ट्रेनर ब्रश होते हैं। अगर पोकेमॉन की ट्रेनिंग अच्छी ना हो तो पोकेमॉन ही ब्रश होते हैं। तू अपने पोकेमॉन को डिफेंस से पहले अटैक का सोचता है, इसलिए तू ये मैच हार गया है। इसलिए तू एक नंबर का 9 सीख लिया है। वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आज के फ्रॉस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन के बारे में। आज की वीडियो में हम सारे आज के फ्रॉस्ट पोकेमॉन निकालने वाले हैं हर एक रीजन से। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो उसको बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इफ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड गाइस साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक भी कर दीजिएगा। आज पता नहीं क्लॉक कहां मर गया, हर बार तो टपक पड़ता था वीडियो में, आज पता नहीं क्या हो गया उसको। मैं बाहुबली क्लॉ, शुगामनी देवी का पुत्र, मैं हूँ क्लॉ बाहुबली। जय माहिष्मती। अरे क्या हो गया क्लॉ, बाहुबली देवी को ज्यादा जोश चढ़ गया। मैं बाहुबली। खामोश चपड़गंजू, मेरी बेइज्जती करने वाले का हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। अरे चल ये सब बंद कर, तू चल वीडियो का इंट्रो लगा दे। मुझ पे एक एहसान करना कि इंट्रो खुद ही लगा लेना। तभी कहता हूँ बॉलीवुड देखना छोड़ दे, एनिमे देखा कर। अगर इंट्रो नहीं लगाया ना तो भूल जाएगा, कभी तेरे को मैं आलू के पराठे खिलाऊंगा। अच्छा इसका मतलब तुमको कभी आलू के पराठे नहीं खिलाएगा? अरे पूछा निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इंट्रो लगा देता हूँ लेकिन मेरा आलू के पराठे बंद मत करना। सो गाइस, अगर इस लिस्ट के अंदर आपका कोई फेवरेट पोकेमॉन आ जाता है तो गाइस प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि जो पोकेमॉन वर्स्ट है तो है, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं जबकि उसके ट्रेनर ने उसको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी। इफ अगर पोकेमॉन को अच्छी ट्रेनिंग मिलती तो पोकेमॉन ग्रीन निंजा पिकाचू जैसे अच्छे पोकेमॉन बन सके थे। बट गाइस आज के हम जितने भी पोकेमॉन को ऐड करने वाले हैं सिर्फ एश के टीम से ऐड करने वाले हैं एंड एक जनरेशन से सिर्फ एक पोकेमॉन ही आने वाला है। एंड गाइस पिछले वीडियो में आप लोगों को कन्फ्यूजन था कि मैंने रायकू और एंटे के बीच में फाइट क्यों नहीं करवाई, तो गाइस मैंने इसलिए फाइट नहीं करवाई क्योंकि एंटे को सबसे ज्यादा वोट मिले थे एंड उसके बाद सुइकू को मिले थे एंड उसके बाद फिर रायकू को मिले थे। तो गाइस इसका मतलब कि एंटे पावरफुल पोकेमॉन है, तो इसलिए मैंने उसको सुइकू से फाइट करवाई। एंड गाइस रायकू को सबसे कम वोट मिलते हैं कि वो बहुत वीक पोकेमॉन है, इसलिए मैंने उसको सीधा फाइनल्स में भेज दिया। अगर वो पोकेमॉन फाइनल्स के अंदर 0 पॉइंट के साथ हारता तो उस पोकेमॉन की बहुत बेइज्जती होती। बट गाइस ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर सुइकू जीत गया एंड गाइस सेकंड राउंड में जाकर रायकू। अगर किसी पोकेमॉन को बहुत कम वोट मिलते तो गाइस उसको अपने आपको प्रूफ करने के लिए एक चांस तो मिलने चाहिए, इसलिए मैंने रायकू को फाइनल से भेज दिया और उसको चांस दे दिया एंड उसने उस चांस के ऊपर खड़े होकर विनर बन के दिखाया। सो हम बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के ओर। गाइस कैंटो को फर्स्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है एंड गाइस एश ने अपने स्टार्टिंग कैंटो से की थी। एंड गाइस कैंटो के अंदर एश ने बहुत सारे पोकेमॉन पकड़े जैसे कि मग, टी स्टोरोस, पीजीओटो, प्राइमेप और भी अच्छे अच्छे पोकेमॉन पकड़े। तो गाइस उस टाइम एश न्यू पोकेमॉन ट्रेनर था, तो गाइस हम मान सकते हैं कि हाँ कैंटो के अंदर उसको उतनी कुछ ज्यादा समझ नहीं थी, वो एक नौसिखिया ट्रेनर था। एंड गाइस उसको ये भी नहीं पता था कि एलर्जी टाइप पोकेमॉन रॉक टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट वीक होते हैं। एंड गाइस एश ने कैंटो के अंदर बहुत सारी गलतियां की क्योंकि उस टाइम वो न्यू था एंड उसको उतनी समझ नहीं थी पोकेमॉन्स के बारे में, इसलिए उसने सफारी जोन के अंदर सफारी वार्ड से 30-30 स्टोरेज पकड़े। वो चाहता था वहाँ से साइथर, कैंगस्कान जैसे अच्छे अच्छे पोकेमॉन पकड़ सकता था, बट गाइस उसने वहाँ पे 30-30 टोरोस पकड़े जो कि इसकी एक बहुत बड़ी नौसिखी वाली पंक्ति है। एंड गाइस उस 30 टोरोस को उसने कभी यूज ही नहीं किया, उनमें से बस एक टोरोस को ही यूज करता था एंड बाकी के 29 टोरोस प्रोफेशनल होकर लाइन में ही रहते थे। एंड गाइस अगर हम बात करें एश के कैंटो के वर्स्ट पोकेमॉन के बारे में तो गाइस वो है पीजीओट। एश ने पीजीओटो को पीजीओट के फॉर्म में कैच किया था। एंड गाइस पीजीओटो ने कभी भी एश को खुश नहीं किया, वो बहुत मैच हारा है, बस वो बात अलग है कि उसने एक बार फीरो को हराया। फीरो को हराने के लिए उसको पीजीओट के अंदर इवॉल्व होना पड़ा। एंड गाइस जब वो पोकेमॉन पीजीओट के अंदर इवॉल्व होगा तब एश ने उसको वहीं पर छोड़ दिया। इफ अगर एश उसको ना छोड़ता, उसको और भी अच्छी ट्रेनिंग देता तब वो पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व भी कर सकता था। एंड गाइस पीजीओटो बिना इवॉल्व हुए फीरो को हरा सकता था। वो एश तो वैसे कैसे बोल सकता है पीजीओटो बिना इवॉल्व हुए फीरो जैसे बड़े पोकेमॉन को कैसे हरा देता है? मेरे को पता था तू ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इसका आंसर मेरे पास रेडी है। सो गाइस अगर आप फ्यूरो का बेस्ट स्टैट्स को देखते हैं तो गाइस वो है उसका 442 एंड गाइस अगर आप पीजीओटो के बेस्ट स्टैट्स को देखते हैं तो उसका है 349।
एंड गाइस पिजूट का बेस स्टैट्स फ्यूरियस से ज्यादा कम नहीं है, बस थोड़ा सा ही कम। अगर पिजूट चाहता तो उसको आसानी से हरा सकता था, बिकॉज पिजूट की एचपी 63 है, अटैक 60 एंड डिफेंस 55 एंड इसका स्पेशल अटैक है 50, तो उसकी मदद से वो फ्यूरियो को आसानी से हरा सकता था। बट एश ने इस पोकेमोन को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी थी, जिस कारण ये पोकेमोन उसको हरा नहीं पाया एंड फिर इसको इवॉल्व होना पड़ा। इफ अगर एश इस पोकेमोन को अच्छी ट्रेनिंग देता तो गाइस पिजूट अपने डिफेंस से फ्यूरियो को आसानी से हरा सकता था, वो अपने आप को बचाता रहता और जब मौका मिलता तो वो अटैक करके उसको आसानी से हरा सकता था। बट गाइस एश की ट्रेनिंग ना देने के कारण वो पोकेमोन उसको हरा नहीं पाया। तो इन सब कारणों के कारण पिजूट हमारे इस लिस्ट के अंदर आता है। तो जोटोको जनरेशन 2 के नाम से जाने जाते हैं। एश ने इसके अंदर बहुत सारे पोकेमोन पकड़े हैं, जैसे कि हेराक्रॉस, टूटूडाइल, सिंडाक्विल। तो अगर हम बात करें जोटोको वर्स्ट पोकेमोन के बारे में तो वो है डॉन फैन। तो गाइस एश को डॉन फैन एक के रूप में मिला था, उस एक के अंदर से फैन पे निकला। एंड गाइस स्टार्टिंग में हमको फैन भी बहुत ही कमजोर दिखाया गया था, हमको बस एक क्यूट पोकेमोन के तौर पे दिखाया गया था। एंड गाइस बैटल फ्रंट ईयर के अंदर जब फैन भी टीम रॉकेट के साथ फाइट कर रहा था, तब उसके अंदर वो इवॉल्व होगा डॉन फैन के अंदर। एंड गाइस डॉन फैन के अंदर इवॉल्व होने के बाद उस पोकेमोन के पास बहुत ही अच्छे अच्छे अटैक आ गए। बट गाइस एश ने इस पोकेमोन को बहुत कम ट्रेन किया एंड बहुत ही कम यूज किया यार, ये पोकेमोन ज्यादातर प्रोफेशनल होकर लैब में ही रहता है। एंड इसके पोकेडेक्स एंट्री के अंदर लिखा हुआ है ये पोकेमोन अपने ऊपर एक बहुत ही भारी भरकम ट्रक भी रख सकता है। एंड गाइस आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई पोकेमोन अपने ऊपर ट्रक रख सकता है तो वो पोकेमोन कितना ताकतवर होगा। इफ अगर इस पोकेमोन को कभी टाइम निकालकर ट्रेनिंग देता तो गाइस पोकेमोन एश की पावरफुल टीम के अंदर आ सकते हैं। सो गाइस होइनिजिन को जनरेशन 3 के नाम से जाने जाते हैं। सो गाइस अगर हम बात करें इस जनरेशन के एश के वर्स्ट पोकेमोन के बारे में तो गाइस वो है टॉर्कोल। तो गाइस फायर टाइप के लिए एक टॉर्कोल बहुत ही अच्छी चॉइस है। इफ मेरे को टॉर्कोल पकड़ने का मौका मिले तो गाइस मैं फायर टाइप के लिए उसको पकड़ ही लूंगा एंड उसको मैं अच्छी ट्रेनिंग दूंगा जिससे पोकेमोन और पावरफुल बन पाए। बट गाइस एश ने कहां इसको ट्रेनिंग देनी थी, एश ने इस पोकेमोन को बहुत कम ट्रेनिंग दी जिस कारण इस पोकेमोन को बहुत ही कम अटैक्स आते थे। एंड गाइस फायर टाइप होने के बावजूद भी ये पोकेमोन स्टीलिक्स को नहीं हरा पाया, जो कि एक स्टील टाइप का पोकेमोन। गाइस फायर को स्टील पे बहुत एडवांटेज होता है, फिर भी ये पोकेमोन स्टीलिक्स को नहीं हरा पाया। ओए आशु, स्टीलिक्स तो फुली इवॉल्व पोकेमोन है और हमारे टॉर्कोल के पास कोई इवोल्यूशन ही नहीं है, बिना इवोल्यूशन को पोकेमोन फुली इवॉल्व को कैसे हरा सकते हैं? ओए क्लो, इवॉल्व होने से कुछ भी नहीं होता, बस हमको टाइप का एडवांटेज चाहिए होता है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बता ही देता हूँ, एक साइड में है टोटोडाइल और दूसरी साइड में है क्यूलावा। और टोटोडाइल तो का फर्स्ट फॉर्म एंड क्यूलावा उसका सेकंड फॉर्म है। अगर टोटोडाइल कोई वाटर टाइप अटैक क्यूलावा के ऊपर करता है और उसकी हाफ एचपी तो जाएगी जाएगी, क्योंकि जो पोकेमोन के अगेंस्ट वो बहुत सुपर इफेक्टिव अटैक होगा। वहीं क्यूलावा 4 या 5 बार फायर टाइप अटैक टोटोडाइल के ऊपर करती है, फिर टोटोडाइल को कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके सामने वो इफेक्टिव नहीं है। अगर वही टोटोडाइल 2 अटैक करता है बाड़े टाइप का और वही हमारी क्यूलावा के सारी एचपी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव है। अब समझ आया तेरे को? अरे हाँ, आशु को समझ में आ गया। जब भी मैं अगर फाइट करा करूँगा ना पोकेमोन से, मैं टाइप एडवांटेज देखा करूँगा। अरे क्लोत्र को मानना पड़ेगा, तू बहुत जल्दी समझ जाता है। तो इसी सब कारण के कारण टॉर्कोल हमारे लिस्ट के अंदर आता है। तो गाइस सीनोडिजन को जनरेशन 4 के नाम से जाने जाते हैं। गाइस सीनोडिजन बहुत लोगों को अच्छा लगा था। गाइस इसके अंदर एश हमारा बहुत ही अच्छा हो गया था, उसको थोड़ी सी समझ आने लग गई थी और थोड़ा सा मैच्योर हो गया था। एश के सीजन के अंदर सारे पोकेमोन फुली इवॉल्व है, बस 2-3 पोकेमोन जो है वो फुली इवॉल्व नहीं है। गाइस इस सीजन के अंदर यही बात अच्छी लगी कि एश ने इसके अंदर अपने पोकेमोन को इवॉल्व किया है। एंड इस सीजन के अंदर से कोई पोकेमोन को चूज करना बहुत ही मुश्किल काम है यार, क्योंकि इस सीजन के अंदर सारे पोकेमोन बहुत ही अच्छे पोकेमोन हैं। बट गाइस इस वीडियो के अंदर को एक पोकेमोन को तो चूज करना ही पड़ेगा। तो गाइस इस सीजन के अंदर एश का वर्स्ट पोकेमोन है टॉर्टेरा। एंड गाइस हम इस पोकेमोन को वर्स्ट तो नहीं बोल सकते, हम इस पोकेमोन को एवरेज बोल सकते हैं। तो एश को अपने टॉर्टेरा को इवॉल्व नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो टॉटविक में ही अच्छा था, क्योंकि टॉटविक में उसकी स्पीड, उसका अटैक, उसका सब कुछ अच्छा था। बट गाइस जब वो जाके टॉर्टेरा में इवॉल्व हो जाता तो गाइस उसका जो स्पीड है वो कम हो जाती है। एंड गाइस स्पीड कम होने के साथ साथ उसका जो डिफेंस है वो बढ़ जाता है। तो गाइस टॉर्टेरा को अपने स्पीड के कारण बहुत सारे मैच के अंदर डिसएडवांटेज मिला है एंड उसने बहुत सारे मैच भी हारे हुए हैं। ओवरऑल ये पोकेमोन सिर्फ हमारे लिस्ट के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि गाइस इस पोकेमोन की स्पीड कम है एंड गाइस इसको इवॉल्व बिल्कुल ही होना चाहिए था। एंड गाइस इस पोकेमोन को पोल के टॉर्टेरा जितनी ट्रेनिंग तो मिलनी ही चाहिए थी। एंड गाइस यूनिवर्सल को जनरेशन 5 के नेम से जाने जाते हैं। गाइस एश ने इसके अंदर बहुत सारे पोकेमोन पकड़े हैं, यानी कि बहुत ही सारे, जिनमें से सारे पोकेमोन को ट्रेनिंग तो दे नहीं सकता क्योंकि उसने बहुत सारे पोकेमोन पकड़ के रखे हुए थे। एंड गाइस अगर एश के टॉप 5 वर्स्ट पोकेमोन की लिस्ट बनती है तो गाइस उनमें से 3 पोकेमोन तो यार यूनोवा से निकलेंगे, क्योंकि यूनोवा के अंदर एश ने अपने पोकेमोन को बहुत कम ट्रेनिंग दी है। तो गाइस यूनोवा के अंदर एश के वर्स्ट पोकेमोन के बारे में बात करूं तो गाइस वो है अनफिजेंट। अनफिजेंट एक फीमेल टाइप पोकेमोन है। गाइस अनफिजेंट को एश ने पीडीएफ के रूप में कैच किया था। तो गाइस एश के अनफिजेंट ने टोटल 1 मैच ही जीता है। फुली इवॉल्व होने के बाद ये पोकेमोन सिर्फ 1 मैच जीता, जो कि इसकी सबसे डिसअपॉइंट करने वाली बात है। इफ गाइस एश अनफिजेंट को इवॉल्व नहीं करता, उसकी जगह पे ससमी टॉड के अंदर पाल्पी टॉड को इवॉल्व कर देते तो गाइस वो बहुत अच्छी बात रहती है, उसको उससे बहुत एडवांटेज मिल जाता। बट पता नहीं एश ने ऐसा क्यों नहीं किया।
एंडगेस एलान के पास भी अनफ्यूजेंट है, एलान का अनफ्यूजेंट बहुत ही पावरफुल है। एंडगेस हमारे ऐश के पास भी अनफ्यूजेंट है, एंडगेस हमारे ऐश का अनफ्यूजेंट बहुत ही वीकेस्ट पोकेमोन है उसका यूनोवा का। एंडगेस इस पोकेमोन ने सारे पोके फैंस को बहुत डिसअपॉइंट किया है, इस कारण ये पोकेमोन हमारे लिस्ट के अंदर आता है। सुगस कैलस को जनरेशन किसके नाम से जाने जाते हैं? इसी जनरेशन के अंदर हमको ऐश बहुत मैच्योर एंड सर्वगुण संपन्न दिखाया गया। इस जनरेशन को सबसे पहले मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर इस जनरेशन का ऐश यार बहुत ही अच्छा है, इस जनरेशन के ऐश के अंदर समझदारी वाली चीजें हैं, उसने बहुत अच्छे अच्छे पोकेमोन पकड़े हैं। इस जनरेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ऐश फाइनल्स तक गया था, बस वो अलान को नहीं हरा पाए। वो अलान को हरा देता तो कैलस का चैंपियन बन जाता। एंड अगर बात करें इस जनरेशन के वर्स्ट पोकेमोन के बारे में, तो इसके अंदर चुनना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐश के सारे पोकेमोन इसके अंदर फुली इवॉल्व है बस पिकाचू को छोड़ के। एंड गाइस इसके अंदर किसी पोकेमोन को चूज करना यार बहुत ही मुश्किल बड़ा काम है। एंड मैं किसी को भी चूज करता हूँ तो गाइस यार वो मजबूरी में चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंदर किसी ना किसी को तो चूज करना ही पड़ेगा, तो गाइस वो है नोइवोर। एंड गाइस हम इस पोकेमोन को वर्स्ट पोकेमोन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि गाइस ये पोकेमोन बहुत ही अच्छा पोकेमोन है, ये एवरेज से भी अच्छा पोकेमोन है। एंड गाइस इस पोकेमोन की सबसे बेकार बात यह है कि गाइस ये मतलब कि ऐश को उतना प्यार नहीं करता जितना कि होलुचे को प्यार करता है। होलुचा इसको अपने बेटे जैसा मानता है और उसकी बहुत केयर करता है, जिस कारण ये भी उसको बहुत प्यार करता है। एंड गाइस होलुचा को बचाने के लिए एक पोकेमोन नोइवोर के अंदर इवॉल्व हुआ था, और उसको बचाने के लिए वो जोल्टियन जैसे लेजेंडरी पोकेमोन के साथ ही भिड़ गया था। स्वार के सेलेमन के साथ भी इस पोकेमोन की फाइट हो चुकी है, जिसके अंदर ये पोकेमोन बहुत अच्छा लड़ा एंड एंड में उसने मैच को ड्रॉ करवा दिया। एंड गाइस ये पोकेमोन हमारी लिस्ट के अंदर इसलिए आया क्योंकि ये पोकेमोन ऐश को ज़्यादा प्यार नहीं करता जितना ये प्यार होलुचा को करता है। अरे ऐश मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर देगा? नहीं मैं आंसर नहीं दूंगा, हर बार तो क्वेश्चन तू पूछता है, आज मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा, तेरे को आंसर देना पड़ेगा। चल ठीक है पूछ क्वेश्चन। अगर तेरे को पार्क के बाहर एक बॉम्ब गिरा हुआ मिलेगा तो तू क्या करेगा? मैं वहां 2 मिनट रुकूंगा, अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको उठा के तेरे स्कूल के अंदर फेंकाऊंगा। तेरे से तो क्वेश्चन पूछना बेकार है, खुद तो मरेगा साथ में औरों को मरवाएगा। चल कट ले यहां से। सुगस अलोला को जनरेशन 7 के नाम से जाने जाते हैं। अनगज इसी जनरेशन के अंदर सबसे पहले हमको जी मूव के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अनगज बात करें हम इस जनरेशन के ऐश के बारे में एंड पिकाचू के बारे में, तो आज दोनों ही बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेकार हैं। मुश्किल से हमारे कैलोस के अंदर ऐश मैच्योर हुआ था और यहाँ पे आकर फिर से उसको बच्चा बना डाला। कूल डाउन आशु। अरे फ्राली ग्रेटर 102 नंबर पर फोन घुमा, एम्बुलेंस बोला, आशु पागल हो गया। अरे एम्बुलेंस को मत बुलाओ यार, चार्जेस लेंगे आने के। अरे कॉल कर दे फ्रालीगेटर। चल भाग जा क्लो यहाँ से। सुगर सॉरी इसके लिए, मैं बहुत ही भावना में बह गया था। अगर जब सिनेमून कैरी ऑन चल रहा है, इनके अभी हमको ये नहीं पता कि आज कितने पोकेमोन पकड़े और कितने पोकेमोन पकड़ेगा, लेकिन जितना भी मैंने सिनेमून देखा है उसके हिसाब से जो वर्स्ट पोकेमोन है वो है पोइपल, क्योंकि पोइपल ने अभी तक कोई भी फाइट नहीं किया, तो हमको पता नहीं कि उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितना पावरफुल पोकेमोन है, फिर कितना वर्स्ट पोकेमोन है। एंड गाइस ये पोकेमोन ने फाइट नहीं किया है, इनके बहुत डरपोक पोकेमोन होगा, तो गाइस इसलिए इस पोकेमोन को हमने लिस्ट के अंदर रखा है। अरे जब पोकेमोन से बैटल करवानी नहीं होती तो पोकेमोन को पकड़ते क्यों हैं? ये बात तो क्लो तुमने सही की, पता नहीं पकड़ते क्यों जब ट्रेन ही नहीं करना होता उनको। सो गाइस हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आपको लिस्ट कैसे लगी। इफ मैं कोई किसी पोकेमोन को ऐड करना भूल गया या फिर आपके फेवरेट पोकेमोन को ऐड किया हो, तो गाइस उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें बात करते हैं उसको विनर्स के बारे में होना शुरू उसके बारे में। सो जो होगा उसका विनर्स हैं वो हैं अमिता रानी, सुषमा शर्मा, एनिमे लवर्स, लाइफ एक्स 7295, एलजे पोकेमोन। सो आपको कॉन्गो के बारे में उसके विनर्स हैं। अगर नेक्स्ट वो उससे ऐश ने अपना टोटल को कौन से पोकेबॉल से पकड़ा था, अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अगर आपका सही हुआ तो मैं अगली वीडियो आपका नाम लेने वाला हूँ। एंड गाइस फर्स्ट 5 बंदों का नाम मेरे बना दो, सबसे पहले आंसर देते हैं। इफ अगर का नेम इस वक्त उसके अंदर अनाउंस ना हुआ तो गाइस प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई कीजिएगा। हम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कभी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए, वीडियो को खोले, वीडियो का मजा लें, जब कुछ तो उसका आंसर देता कि अगली वीडियो आपका नेम अनाउंस हो पाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने पॉकेट बॉडी के अंदर शेयर करना ना भूलो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से और गुलाब की तरफ से टाटा बाय बाय।